निजी स्कूलों में धड़ल्ले से हो रही पढ़ाई, स्कूल संचालक जुटे अपने निजी फायदे में, स्कूल संचालक को नहीं किसी की परवाह, सरकार के नियमों की उड़ा रहे हैं खुलेआम धज्जियां। ऐसा ही एक मामला जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिडारी के ग्राम पंचायत करनपुर का देखने को मिला है। करनपुर ठाकुर द्वारा रोड पेट्रोल पंप के पास ML Academy के नाम से एक निजी स्कूल है। वहां का संचालक अपने निजी फायदे के लिए सरकार की गाइडलाइन की, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, एक तरफ तो सरकार कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने में रात दिन लगी हुई है। करनपुर ठाकुर द्वारा रोड पर ML Academy का संचालक अपने निजी फायदे के लिए धड़ल्ले से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को खुलेआम स्कूल चलाकर अपने निजी फायदे में लगे हुए हैं। जब संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ जानकारी करना चाही कि आप जो छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं किसके आदेश से दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल आग बबूला हो गया और स्कूल के मेन गेट का ताला लगा दिया और कक्षाओं में पत्रकारों को जाने से रोक दिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि स्कूल संचालक बिना किसी परवाह किए अपने निजी फायदे में जुटा है। वहां के कक्षा 3 के छात्र से जब संवाददाता ने बात की तो उसने बताया कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूं, आज मेरी क्लास में लगभग 19 बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। वहीं सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। आज भी ML Academy का संचालक खुलेआम कक्षा चलाकर अपने निजी फायदे में जुटा है। इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल संचालक के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि आला अधिकारी इस संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हैं या यूं ही ये नियमों को पलीता लगाते रहेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, पत्रकार बात कर रही हूँ सर, टुडे 24 न्यूज चैनल से। है? पत्रकार बात कर रही हूँ। अभी यहाँ डिलारी करनपुर में जो स्कूल का मामला था आपके संज्ञान में अभी दिया था हमने। हाँ जी, हाँ जी जी। 8th-9th क्लास से नीचे के बच्चे यहाँ पर जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और पूरी भरपूर तौर पर यहाँ क्लास लग रही है, तो इस मामले को लेकर के थोड़ी सी आपकी बाइट लेना चाह रहे थे। नहीं, हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और हमारी अभी प्रिंसिपल से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि हम केवल 9 से 12 वाली क्लास नहीं, हमारे पास पूरा प्रूफ है सर कि वो लोग 9th से नीचे की क्लासेस चला रहे हैं, वहाँ बच्चे भी हैं और काफी अच्छी तादाद में हैं। तो बाकी हम उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण दे रहे हैं और उनको तत्काल निर्देशित भी कर दिया है कि वो, उन्होंने ये बताया कि हमारे जो स्टाफ है उनके बच्चे उनके साथ आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, स्टाफ के बच्चे हैं, उन्होंने हमें भी यही सफाई दी थी, लेकिन बच्चों से भी हमने पूछताछ की है। एक बच्चे 3rd क्लास का बच्चा जिसमें 19 बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर, तो 19 बच्चों को आप स्टाफ वार्ड कहेंगे या बच्चों के भाई बहन, मतलब इतनी संख्या में एक क्लास में बच्चों का होना ये तो गलत है ना। अब जैसा ही वो बता रहे हैं उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं जी। तो सर आपका वचन लेना चाह रहे थे थोड़ा सा, इसमें खबर चला रहे हैं हम लोग, खबर है हमारे पास ये पूरी, आप भी थोड़ी सी बाइट लेना चाह रहे थे जी। हम, मेरी यही बाइट है कि उनको हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्होंने किस आधार पे है और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पे हम अग्रेतर कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित करेंगे जी। तो ये नोटिस कब तक जारी कर दिया जाएगा सर? नोटिस आज ही जारी कर रहे हैं। आज ही जारी कर रहे हैं। हाँ ठीक सर, धन्यवाद।